महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जब शरद पवार को एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया था। वो 24 नवंबर 2011 का दिन था, जब दिल्ली में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया था। इस दौरान आरोपी ने पवार के साथ धक्का मुक्की भी की थी। इस हमले में शरद पवार लड़खड़ा गए और नीचे गिरते गिरते बचे थे। तब पवार को थप्पड़ मारने के बाद हरविंदर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को यह उसका जवाब है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा पकड़े जाने पर भी वह चिल्ला रहा था कि वह ऐसा दोबारा करने से चुकेगा नहीं। उस दिन शरद पवार एनडीएमसी सेंटर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। समारोह में हिस्सा लेकर जब पवार बाहर निकले तो हरविंदर सिंह ने थप्पड़ जड़ा था। उस समय बताया गया था कि युवक बढ़ती महंगाई और पूरी व्यवस्था से नाराज था। हालांकि पुलिस ने हरविंदर को 13 नवंबर 2019 को अरेस्ट कर लिया था, वो 2011 से फरार चल रहा था। न्यूज़ डेस्क।